कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, क्या आपके भी जोड़ों में दर्द रहता है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, और जो है आपको स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह का दर्द है, गठिया का दर्द है, मसल्स में आपके मांसपेशियों में दर्द रहता है, मांसपेशियों में खिंचाव रहता है, या फिर आपके जोड़ों में गांठों में दर्द होता है हाथ पैरों की, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही चुके होंगे, हम बात कर रहे हैं इटोरिकॉक्सिब टैबलेट की। इटोरिकॉक्सिब टैबलेट जो है, ये जो है इसकी जो क्लास होती है कॉक्स टू इनहिबिटर क्लास की, ये दवा है, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी क्लास की दवा होती है, उसी के अंदर एक आती है कॉक्स टू इनहिबिटर क्लास की दवा होती है ये। और इटोरिकॉक्सिब जो है ये 120 एमजी में आती है दोस्तों, 90 एमजी में आती है, 60 एमजी में आती है, तीन तरीके की स्ट्रेंथ में आती है। कुछ इसके फेमस ब्रांड नेम भी होते हैं, आप चाहें तो उनसे भी खरीद सकते हैं, या फिर आपके डॉक्टर आपको किसी अन्य ब्रांड से भी दे सकते हैं। उसके अंदर जो मूल नाम होगा दवा का, वो इटोरिकॉक्सिब ही रहेगा। इटोरिका टैबलेट, न्यूकॉक्सिया टैबलेट, ये इसके फेमस ब्रांड है। अब इसके फायदे की बात करते हैं कि इस टैबलेट का इस्तेमाल या फिर फायदे कहाँ कहाँ होते हैं, इसका जो यूज होता है, इसके जो फायदे होते हैं। किसी व्यक्ति को या किसी महिला को रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, गठिया की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनके जोड़ों में दर्द होता है और उनको स्वेलिंग रहती है जोड़ों में, तो दर्द को ठीक करने के इस्तेमाल में ये टेबलेट लाई जाती है। इसके अलावा किसी के जॉइंट में पेन है, जॉइंट में दर्द है, उनके जो जोड़ होते हैं हाथ पैरों के, तो उनके अंदर दर्द है, तब भी इस टेबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जिसमें कि उनके पीछे की साइड में दर्द होता है ये, तो उस टाइम पर भी इसको लेने की सलाह दी जाती है। गोइट की समस्या, किसी को उसके यूरिक एसिड बढ़ जाता है जिसकी वजह से उसके गांठों में दर्द होता है, तो उन लोगों को भी ये टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस है किसी पुरुष को या किसी महिला को, तो उन लोगों को भी ये टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। मसल्स में पेन है, उसके मांसपेशियों में उसके पेन है, जिसकी वजह से उसको काफी दिक्कत हो रही है, ज्यादा ही दर्द हो रहा है, तब भी इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। कोई हाथों में कोई दर्द है, उसके जोड़ों में कोई दर्द है, फिर उसके टांगों में दर्द है, उसको भी ठीक करता है ये। नी में उसके पेन है, मतलब जो नी होते हैं, जॉइंट जो होते हैं, उन पर अगर दर्द है, तब भी इसको लेने की सलाह दी जाती है। ये इतने सारे फायदे होते हैं दोस्तों, क्या बात है दोस्तों, इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साइड इफेक्ट की बात करते हैं, तो साइड इफेक्ट इसमें कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट आते हैं। पाल्पिटेशन आपको लगेगा, हेडेक, आपको सिर दर्द होगा, एडिमा की प्रॉब्लम आपको हो जाएगी, आपका जो है स्वेलिंग हो जाएगी, सूजन हो जाएगी, इररेगुलर हार्ट बीट हो जाएगी आपकी, जो दिल की जो धड़कन है वो या तो ऊपर नीचे हो जाएगी, या ऊपर हो जाएगी नीचे हो जाएगी, ये इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। तो इसलिए आप इसको बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, डॉक्टर की सलाह से लेना जरूरी है, सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं कि इस दवा को लेने की कोई सावधानी होती है कि नहीं होती है, तो जी हाँ दोस्तों, सावधानी भी जरूर होती है। प्रेगनेंसी में इस दवा को नहीं लिया जाता, ब्रेस्ट फीडिंग, कोई मदर अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो वो महिलाएं इस टैबलेट को ना लें। हार्ट डिसीज, मतलब दिल से जुड़ी किसी को कोई बीमारी है, तो वो व्यक्ति इस दवा को ना लें। हाई बीपी की किसी को प्रॉब्लम है, और ब्लड प्रेशर उसका हाई रहता है, तो वो लोग इसको ना लें। लीवर किडनी की कोई डिसीज है, तो वो लोग भी इसको खुद से ना लें। तो ये इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, सावधानियां होती हैं। दोस्तों, लेने के तरीके की बात करते हैं कि इसकी डोज क्या होती है, तो इस दवा की जो डोज है वो मरीज की कंडीशन पर निर्भर करती है कि मरीज की क्या कंडीशन है। मान लो उसको ज्यादा दर्द है या कम दर्द है, उसी हिसाब से इस दवा को लेने की सलाह दी जाती है। दिन में एक बार या दिन में दो बार तक इसको दिया जा सकता है, खाना खाने के बाद, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है, आपके डॉक्टर पर डिपेंड करता है। तो ये होती है इटोरिकॉक्सिब टैबलेट। कैसी लगी आपको जानकारी? काफी अच्छे से हमने आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। क्या देख रहे हैं भैया, कर दें सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम ऐसे ही एक इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में।